छलगांव में। हेलो अभी बज रहे सुबह के 6। मतलब क्या पता आज क्या हुआ, मतलब एक अचानक से प्लान हुआ मन में आया कि सुबह कहाँ पर राइड पे जाते हैं, कहाँ पर घूमने जाते हैं। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं वांडरी लेक फॉर अ शॉर्ट राइड। मतलब ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, ऐसे प्लान हो गया, बोला बहुत दिन हो गए कहाँ गए नहीं है, तो घूम तो बाहर जाते हैं। तो अभी दोस्त लोग आ रहे हैं, मेरे दिखा दो मैं आपको कौन कौन है वो, तो देखते हैं अभी क्या पता क्या होने वाला है, कैसा मतलब वांडरी लेक जाएंगे या कहीं और जाते हैं वो भी देखते हैं। सो आप जुड़े रहो और पहला मैं ये चेंज कर दो उनको। तो गाइस ये पहना जरूरी है क्योंकि जाते जाते अपने बहुत सारी ठंडी लगने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लगने वाली है। तो चलो तो गाइस ये अपनी आज की पब्लिक, ये देखो एक बंदा किधर है। अरे कौन किला देने वाला है, क्या बता किधर है। तो अभी जरा एक बंदे को आने दो, बाद में हम लोग निकल दे। तो गाइस ऋतिक भी आ गया और चलो अभी निकल दे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे KTM RC 200 पे। आज मैं मेरी गाड़ी नहीं लेके जा रहा हूँ, मतलब आज मूड हो गया RC चलाने का, तो RC लेके जा रहे हैं। और मेरे पीछे प्रथम बैठा है एज अ बिलियन, और उसी को और वो मनिया है मनोज मुंजो वाइन्स, तो उसका इंट्रो मैं आपको बाद में देता हूँ, फर्स्ट टाइम आया हो मेरे ब्लॉग में। तो गाइस आई डोंट नो हमको जाने को मिलने मतलब वांडरी लेक घूमने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि कुछ वहाँ के रेस्ट्रिक्शन से बंद वगैरह रहता है, आई डोंट नो क्या होने वाला है। तो देखते हैं अभी जाके, और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है मेरे को पता है। और आप गाइस लास्ट तक देखना, इतना देख रहे हो तो भाई लास्ट तक देखो, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स गो नाउ। उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू होने को टाइम जाएगा मेरे को, मतलब रेस और क्लच एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मज़ा तो गाइस आज बहुत आने वाला है, आई थिंक नहीं आने वाला ही है। और ये तो आपने दो बंदे देख गया, अरे 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 गाइज मैंने क्लोज निकाल ली है बिकॉज कुछ जम रहा नहीं था ठीक से। अभी यहाँ से 21 किलोमीटर बता रहा है गूगल माता वांडरी लेक एंड डैम, तो आई थिंक 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। और आप अगर विरार से आ रहे हो तो विरार फाटा से लेफ्ट मारना। तो चलो अभी गाइस हम लोग अभी आ गए हैं, मतलब टर्न मारा है हमने, फाइनली वी आर एट नाउ। और
बीच 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 ढेकल है, ऐसा ढेकले के लिए रास्ता होता है हम लोग को। तो आई थिंक ये अगले का रास्ता तो है भाई, पता है मेरे को, मतलब मैं आया नहीं हूँ कभी, फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, सामने का व्यू देखो यार, मतलब पूरा फॉगी फॉगी है। देखो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, आजू बाजू में सब खेती है और पूरा फॉग है। हाँ गाँव वाला लोग, गाँव में आए हम लोग अभी, सामने से कुछ दिख रहा ही नहीं है भाई, मैंने ऊपर देख के रखा है। ओ माय गॉड, गाइस हम लोग रुक गए अभी, भाई लोग को फोटोशूट चालू है यहाँ पे, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं बाद में जाते हैं। और भाई ये फॉग देखो ना यार, क्या अमेजिंग लग रहा है, ये देखो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये अपना रुको रुको, बाद में सबके रिएक्शन बाद में लेते। इन लोग का फोटो निकाल के मतलब हो ही नहीं रहा है, फोटोशूट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो देखो पीछे। तो अभी हम जाते हैं आगे, आपको दिखा दो मैं वांधरी लेक, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं हम। चलो गाइस, हमें सनराइज तो देखने को नहीं मिला इन लोग के फोटोशूट की वजह से, बट सामने दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो उससे ही हम लोग को अभी आनंद लेना पड़ेगा। वो देखो सामने, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट वो देखो क्लियर कट दिख रहा है। आधे घंटे का ब्रेक हो गया हम लोग का यार, फुल फालतू गिरी कर दिया यार। आधे देखो ना, सनसेट मतलब सनराइज अपने को देखने को मिलता था, पागल लोग। मैं सनराइज के हिसाब से ही आया था, बट जाने दो, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो सब देखेंगे। उड़े आगा यार, हर एक दोस्त गिर चलते, ये लोग भी उधर ही जा रहे हैं, तो इनके पीछे हम लोग जाते हैं। वो अंकल मेरे को बोले कि सीधा जाओ, यहाँ से रास्ता नहीं है, मतलब इधर रास्ता है, यहाँ से नहीं है ऐसा बोले। तो अभी ये लड़के लोग भी आई थिंक वहाँ पे ही जा रहे हैं, तो हम भी उधर ही चलो। सो गाइज, फाइनली वी आर नाउ एट वांधरी लेक, आप मेरे पीछे देख रही हो। और गाइज, बाइक हमने यहाँ पे पार्क की है, थोड़ा सा थोड़ी सी शर्म आ रही है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो व्लॉग करने को थोड़ा सा मतलब समझो थोड़ा बहुत। तो चलो अभी नीचे जाते हैं और पूरा वांधरी लेक अभी एक्सप्लोर करने का हमको, तो एक्सप्लोर करते चलो। तो गाइज हम लोग आ गए, और गाइज ये व्यू देखो यार, फुल अमेजिंग। आगे और जाने का है हम लोग को, वो थोड़ी देर में जाएंगे, बट पहले यहाँ के भी मज़े लेते, बाद में वहाँ के मज़े लेते। तो ये व्यू आप एंजॉय करो। तो गाइस अभी मेरे को पता नहीं हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बट यहाँ पे कुछ दिखा हमको, मतलब रास्ता खुला दिखा, तो हम लोग यहाँ पे घुस गए। तो यहाँ पे भाई लोग का फिर से फोटोशूट चालू हो गया। और गाइस ये देखो मेरे पीछे ना पूरा डैम है, बट वहाँ पे जाने नहीं देते, अलाउड नहीं है ऊपर जाने को। तो यहाँ से हम जा सकते हैं बट नहीं जाएंगे, तो
अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइम पास वगैरह करते हैं, यहाँ पे फोटोशूट तो चालू है। तो गाइज हम लोग थोड़े अभी ऊपर के साइड में आ गए, मतलब पहला वहाँ पे थे तो अभी यहाँ पे आ गए। आप देखोगे मेरे सामने, तो मेरे सामने सॉरी मेरे पीछे, तो वहाँ पे पूरा डैम है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है जाने को। तो अब हम देखते किसी तो साइड जाते हैं, अभी इस साइड ऊपर जाते हैं, तो अभी देखते क्या होता है। मतलब आगे कुछ कैंपिंग पॉइंट वगैरह है, क्या पता इस साइड है या इस साइड है, बट देखते एक्सप्लोर करते वो भी। चलो भाई साहब हम लोग कहाँ पे आ गए क्या पता। वो देखो हम लोग वहाँ पे थे और वहाँ से अभी यहाँ आ गए, वो देखो बहुत दूर है वो, तो 1 किलोमीटर चला है हमने अभी अभी, तो अभी देखते आगे क्या है। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे जहाँ मतलब पहले गए थे, बाद में वहाँ से घर जाएंगे। चलो ठीक है ठीक है। तो गाइस आगे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बताओ आपको यार, तो आगे ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिखाएगा मैप पे, व्यू पॉइंट वगैरह आप वहाँ पे जा सकते हो, पर वहाँ पे कुछ ऐसा देखने लायक कुछ है नहीं, यहाँ पे सीधा सिर्फ रोड ही है। तो अंकल को भी पूछा हम लोग ने, दो अंकल को पूछा तो बोले आगे कुछ भी नहीं है, आगे 14-15 किलोमीटर आगे गाँव है और बाजू का जो पानी वो दिखने ही वाला है। तो गाइस हम लोग फिर से वही लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ फर्स्ट टाइम आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा भूख लगी है थोड़ी बहुत, तो बाद में देखते हैं आगे क्या करने का, रुकेंगे नहीं तो घर पे जाएंगे। चलो तो गाइस अपना खा पी के सब हो गया है, मतलब मैंने सिर्फ बिस्किट ही लाया था तो वो खा के हो गया, तो अभी टाइम है इस सुंदर से व्यू को बाय बोलने की, तो इसको बोलते हैं अभी बाय और निकलते अपने घर के लिए। चलो गाइस हम लोग अभी फाइनली ब्रेकफास्ट में आ गए, मतलब घर पे नहीं गए, नाश्ता करने आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, बाद में मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग अभी आ गए घर पे और भाई बहुत मजा आ गया, मतलब पूरा माइंड फ्रेश हो गया, एकदम भारी लग रहा है, मतलब बहुत दिनों से कहाँ गया नहीं था, तो एक राइड हो भी गई और अपना व्लॉग भी हो गया। तो गाइस वांद्री लेक विरार से, मतलब मेरे घर से 31 किलोमीटर है और आ जाके समथिंग 65 किलोमीटर्स हुए, हमारे ट्रिप लगाई थी इसकी वजह से। गाइस वांद्री लेक मतलब ऐसा आपको चिल करना है, यानी आपको एक शांत प्लेस चाहिए ना, तो वांद्री लेक बहुत अच्छी प्लेस है। और मतलब मैंने जैसा देखा वहाँ पे जाके, तो गाइस इतना है नहीं कुछ, बट आप वहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो और वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो, मतलब आगे कैंपिंग पॉइंट है कुछ, तो वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, मतलब कुछ उनकी परमिशंस वगैरह लेनी रहती है, आई डोंट नो क्या मतलब क्या प्रोसेस है वो, आप वहाँ पूछोगे किसी को तो आपको पता चलेगा। तो गाइस आपको अगर जाना है वांद्री लेक तो आप ज़रूर जाओ, मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका वहाँ जाके। तो मेरे को लगा था कि बहुत कुछ है गाइस वहाँ, बट शांत प्लेस है वो बहुत, और देखने जैसा है वहाँ पे, मतलब आप नेचर लवर हो तो आपको नेचर की ब्यूटी वहाँ पे दिखेगी, तो
आप अगर जाना चाहते हो तो आप जरूर जाओ। तो गाइज जाते थे इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, और आपके थॉट्स मेरे साथ कमेंट में शेयर करना कैसी लगी ये वीडियो। और गाइज आप मेरे चैनल पे नए और वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, बाकी कुछ नहीं करने का। और वो बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करो, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाले, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही था ये व्लॉग, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहो मेरे साथ, कीप वॉचिंग मेरे चैनल व्लॉगर विनय, टिल देन बाय बाय।